हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफसी कप प्रिलिमिनरी राउंड टू के बारे में। तो ये फाइनल क्वालिफिकेशन राउंड एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स का ओपोनेंट कंफर्म हो चुका है। तो मोहन बगान खेलने वाले मच्छिंद्र एफसी के अगेंस्ट में 16th ऑफ अगस्त 7 बजे जो भारतीय क्रीड़ांगण में, मतलब कोलकाता में ही होगा, सॉल्ट लेक में। एंड काफी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मच्छिंद्र एफसी ने पाड़ो एफसी को 3-2 से हरा दिया। काफी क्लोज मैच हुआ है वैसे, लाइक क्लोज इन द सेंस में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग स्कोर लाइन देख ले तो पहले पाड़ो एफसी 1-0 से जीत रहा था, उसके बाद 3-1 हो गया, उसके बाद एंड में जाके फिर पाड़ो ने एक और गोल किया, तो 2-3। सो 3-2 से जीत लिया मच्छिंद्र एफसी ने। एंड मच्छिंद्र एफसी स्ट्रॉन्ग क्लब है, लेकिन मोहन बगान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोहन बगान का अगर हम लोग सिर्फ सिर्फ इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स देख ले, तो मोहन बगान का करंट टोटल टीम वैल्यू कुछ 50 करोड़ के आसपास है, 40-50 करोड़ के आसपास है। वहां पे मच्छिंद्र एफसी का टोटल टीम वैल्यू 15 करोड़ 48 लाख है। सो इसी से पता चल जाता है कि बहुत कोई हाई प्रोफाइल प्लेयर्स भी नहीं है। फॉरेन प्लेयर्स के नाम पे इनके पास करीम नुरैन है, जो कि नाइजीरिया के प्लेयर है, बहुत ही लाइक इनका भी करंट मार्केट वैल्यू 40 लाख है। तो उतना कोई ज्यादा इन्फॉर्म प्लेयर नहीं। इनके टीम में सबसे बड़े प्लेयर है एफिस ओलादिपियो और मिसुका ओलोमो, तो दोनों ही लाइक यू नो अफ्रीकन प्लेयर है, कैमरून के प्लेयर है, दूसरे नाइजीरिया के प्लेयर है। कुछ आप बोल सकते हैं कुछ अच्छे इनके पास अपने नेशनल टीम के प्लेयर है, चाहे वो आयुष खालान हो या फिर बिमल नगर हो, तो ये कुछ अच्छे प्लेयर्स है। बाकी फॉरेन प्लेयर्स में ज्यादा कुछ खास है नहीं इनके पास, लाइक मोहन बगान के कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है। मोहन बगान जैसे जिन प्लेयर्स को लाइक बेंच पे रखते हैं इनके टीम में जाके, ये मेन उनका कैप्टन ना बन जाए, ऐसे ऐसा सिचुएशन है। तो मोहन बगान के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। नेक्स्ट खबर है उड़ीसा की तरफ से। तो फॉर्मर मोहन बगान एंड मुंबई सीरीज एफसी के प्लेयर ब्रैड इनमन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया उड़ीसा एफसी ने। अब क्यों दिखाया मुझे नहीं पता। ब्रैड इनमन का परफॉर्मेंस ओवरऑल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है पूरे आईएसएल में, जितना भी सीरीज उन्होंने खेला है। बट फिर भी लाइक यू नो ब्रैड इनमन के ऊपर एक कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रहता है क्लब्स का एज अ एशियन कोटा प्लेयर। सो अगर वो उड़ीसा में जाते तो एशियन कोटा को काफी अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे, लेकिन कितना उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा उसको लेके बोलना काफी मुश्किल है। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर 31 एज इनका, करेंटली ये जीसी नाइट्स में खेल रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा लोअर डिवीजन का क्लब है। एंड उससे पहले तो उन्होंने लाइक उड़ीसा में भी एक टाइम पे खेला है वैसे ब्रैड इनमन ने, लेकिन ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था। बट फिर से इस बार सर्जियो लुबेरा के अंडर वो उड़ीसा में आ सकते हैं, इंटरेस्ट दिखाया है। सो देखते कि क्या फाइनली ब्रैड इनमन उड़ीसा एफसी में आते हैं नहीं। नेशनल लेवल एफसी गोवा की तरफ से, तो गोवा ने डिसाइड किया है कि वो आइबम्बा डोलिंग को कहीं पर भी रिलीज नहीं करने वाले, एंड वो रखेंगे आइबम्बा डोलिंग को अपनी टीम में एज अ बैकअप इंडियन डिफेंडर। सो मैं बोलूंगा काफी अच्छा कॉल है ये, क्योंकि बैकअप बेंच को रेडी करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मेरला मार्कस रोका को ये चीज काफी अच्छे तरीके से पता है कि बेंच को कितना ज्यादा स्ट्रांग प्रिपेयर करना है एंड कैसे प्रिपेयर करना है। एंड आइबम्बा डोलिंग का लास्ट सीजन का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही था, एज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 27 एज इनका, सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है। सो इसी के वजह से केरला के साथ थोड़ा बड़ा जो बात चल भी रहा था वो अभी कोलैप्स हो चुका है। एंड आइबम्बा डोलिंग अभी कहीं पर भी नहीं जाने वाले, वो गोवा में ही रहने वाले, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे खैर यू नो खत्म नहीं हो रहा, 2025 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट, तो गोवा को ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। आइबम्बा डोलिंग काफी इनफॉर्म है, इनफॉर्म डिफेंडर है, तो डेफिनेटली गोवा के लिए बहुत अच्छा कॉल है। मैं बोलूंगा गोवा के मैनेजमेंट ने मेलो मार्कस रोका ने कॉल लिया कि आइबम्बा डोलिंग को वो लोग रिलीज नहीं करने वाले। ऑल दिन के ऊपर कुछ क्लब्स ने इंटरेस्ट तो दिखाया ही था, कुछ आई लीग के क्लब्स भी थे, आईएसएल में तो केरला था ही, बट मैं बोलूंगा एक अच्छा कॉल, टीम काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा, गोवा का बैकअप भी रेडी रहेगा, तो वो एक टेंशन नहीं रहेगा कि अगर संदीप झिंगन को एक दो मैचेस के लिए रेस्ट देना भी है, अगर वो थोड़े से मान लो एक दो मैचेस के लिए इंजर्ड हो गए या फिर बॉडी उनको रेस्ट चाहिए, तब आइबम्बा डोलिंग को काफी अच्छे तरीके से वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। उड़ान इंडिया तो होंगे ही सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एंड अगर मान लो उड़ान इंडिया नहीं काम कर पाए तो आइबम्बा डोलिंग एंड संदीप झिंगन फुल ऑन इंडियन डिफेंस के साथ भी वो जा सकते हैं। सो फुल प्रिपरेशन में है गोवा, एंड इस डिसीजन को लेकर आपके क्या थॉट्स, आपके ओपिनियंस है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करो दोस्तों के बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बेल दबने के साथ तब तक के लिए बाय।